अस्सलाम वालेकुम भलीकार कयूं था प्रोग्राम क्रॉस टॉक में ऐं क्रॉस टॉक में ॻाल्हाईंदा आहियूं सियासत ते ऐं सियासी सूरत हाल ते स्पेशली मुल्की जेका सियासी सूरत हाल आहे उनमें जेके लाह चढ़ा अचनि था उन्हनि ते असीं ॻाल्हाईंदा आहियूं स्टूडियोज़ में असांजे मोहतरम मान वारियूं शख़्सियतूं बि मौजूदु हूंदियूं आहिनि अॼु जेके असांजा सीनियर अॻवान दोस्त जेके हुकूमत में ई वेठा आहिनि वागू संभाले उहे स्टूडियोज़ में जेके मौजूदु आहिनि उन्हनि जा मां तव्हांखे ॿुधाईंदी रहां नाला ऐं हुनजो तारीफ़ कराईंदी रहां सभ खां पहिरीं जेका शख़्सियत आहे अमीर जमायत इस्लामी साईं असदुल्ला भुट्टो साहिबु अस्सलामु अलैकुम सर कीअं आहियो ठीकु आहियो पाण ॻाल्हायूं था त ॿियनि माण्हुनि महिमान जी बि तारीफ़ करायां ऐं ॿी जेका मानवारी शख़्सियत असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहे डॉक्टर मोहम्मद अली बिरोही साहिबु पी एस पी सां संदनि तालुक़ु आहे अस्सलामु अलैकुम सर कीअं आहियो ठीकु ठाकु आहियो टीं जेका असां वटि मानवारी शख़्सियत मौजूदु आहे असांजे स्टूडियोज़ में साईं परवेज़ आराई साहिबु पाण तज़िया निगारबा आहिनि अस्सलामु अलैकुम सर कैसे हैं आप ख़ैरियत से हैं जी साईं तव्हां खां पहिरें प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था पहिरीं ॻाल्हि जेका अहम आहे सुप्रीम कोर्ट में जेका केसनि गॾाइण वारी जेका ॿुधणी हले पई उन हवाले सां हींअर उहा मंज़ूरु थी वई आहे दरख़्वास्त त हाणे हिननि टिन्हिनि केसनि खे हिकु कयो वञे तव्हीं इन हवाले सां छा चवंदो ॻाल्हि इहा आहे त केस धार हलनि या हिकु थी हलनि हिन सां को फ़र्क़ु न पवंदो आहे छाकाणि त केसनि जा इल्ज़ामात उहे ई हूंदा केसनि जा कागज़ उहे ई हूंदा उन खां अलावा उन सिलसिले में जेके उनजे मथां तोहमतूं आहिनि उहे उहे ई हूंदियूं हाणे उहे टे तोहमतूं अलॻि अलॻि हुजनि तॾहिं ॻाल्हि साॻी आहे जे उहे टे तोहमतूं हिकु ॿ टे करे ऐं उहे हिकिड़े कागज़ ते लिखी वञनि तॾहिं कुझु फ़र्क़ु कोन पवंदो असल ॻाल्हि छा आहे त नवाज़ शरीफ़ साहिब जे तरफ़ां या उनजे ख़ानदान ऐं उनजे वकीलनि जे तरफ़ां कोशिशि इहा थी रही आहे त कहिड़े नमूने सां वक़्तु गुज़ारिजे कहिड़े नमूने सां इनखे चइबो आहे डिलेइंग टैक्टिस यानी केस जी जेका ॿुधणी आहे उन में जेतिरी देरि थी सघे थी ओतिरी कजे ॿियो न भला चारि ॾींहं ई देरि थी वई टारण जो बहानो आहे ऐं हाणे सुप्रीम कोर्ट सुठो कयो हिननि जो ॿुधो जे न ॿुधंदा त वरी हुन ते जेको आहे बयान ॾियंदा वरी हुन ते जेको आहे हिकिड़ो नओं हंगामो खड़ा कंदा त साईं असांखे को ॿुधे नथो असांजी को जेको आहे इंसाफ़ु नथो मिले असां हीअं नथो थिए हूअं नथो थिए अलाए इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहे माइनर शयूं आहिनि हिकिड़े माण्हूअ जे मथां हिकिड़ी तोहमत आहे त बाबा तो जेको आहे इहे पैसा काॾो आंदा हीअ जाइ किथां वरितई या हीअ फ्लैट्स किथां वरितियूं या इहे तूं पंहिंजो कारोबार किथां एस्टेब्लिश कयो या हीअ जेको कारखानो हुओ उनजा पैसा काॾो आया मनी ट्रेल ॿुधायो हाणे उहो टे त अलॻि अलॻि शयुनि जा टे अलॻि अलॻि जेके आहिनि केस हुजनि या टिन्ही खे गॾे करे हिकिड़ो केस कजे ॻाल्हि त साॻी आहे ॻाल्हि साॻी आहे तंहिं करे मुंहिंजे ख़्याल में नवाज़ शरीफ़ साहिब खे इन तरह सां खाम खां यानी उन लाइ इंघाइण जे बजाए मामलात खे क़ानूनी तौर ते पंहिंजा उहो ॿुधाए त बाबा मुंहिंजा इहे असबाब आहिनि इहे मुंहिंजा असेट्स आहिनि हीअ मुंहिंजा मनी ट्रेल आहे हीअ जेको आहे मुंहिंजो इन सिलसिले में मौक़िफ़ु आहे अदालत खे अदालत सम्झी करे हुन ते हलनि सियासत न कनि सियासत न कनि सही सर तव्हां छा चवंदो हिन हवाले सां इन हवाले सां हिकिड़ो सभ खां पहिरियों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तव्हांखे जेको आहे थैंक्स धरती चैनल वारनि खे जो मौक़ो ॾिनो ॻाल्हाइण जो हिकु क्लियर स्टैंस आहे अॼु सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे त हिन जी जेकी केसी ॿुधणी जे हवाले सां ॻाल्हि इहा आहे त मनी लॉन्ड्रिंग जेकी हिननि कई आहे जेके हिननि असेट्स कया आहिनि ऐं उनखां पोइ सॼी जी आई टी थी उहा बि सुप्रीम कोर्ट जेके आहे हिकिड़ो शफ़ाफ़ तरीक़े ऐं सुप्रीम कोर्ट असांजी हिकिड़ी आला अदली आहे ऐं जेको हिकिड़ो तमामु अनरबल ऐं असांजा तमामु जेके जजिस आहिनि जेके सभु मुल्क जे हुन में ऐं उन्हनि जी रेस्पेक्ट पर ॻाल्हि इहा आहे त नवाज़ लीग ऐं नवाज़ शरीफ़ वारनि छा कयो त उनखां पहिरियों जेको आहे हिननि अदलिया जे हिकिड़ी ख़िलाफ़ु मुहिम शुरू करे ॾिनी जेको हुननि कोशिशि कई त असां हिकिड़ी कंस्पायरेसी पैदा कयूं ऐं हितां जी आवाम खे वर्गलायूं साॻियो ई ट्रेंड जेको आहे छो त हिननि जे सभु जेके जाइदाद जेके बि हिननि जा असासा जात आहिनि उहे सभु जो सभु वाक़ थिया आहिनि हाणे नेब कोर्ट में हिननि जो जेको केस जेको आहे जेके भली ॿ आहिनि टे आहिनि जेके गॾु कया अथनि ऐं उन्हनि केसिस में हिननि जी पूरी फैमिली माना हिननि जो तमामु ऐं हीअ हिकिड़ो क्लियर आहे असांजे मौज़िब जेके लीडरशिप आहे उहा लंडन जो मिसाल वठो इंग्लैंड जो प्राइम मिनिस्टर हो या ॿियनि जा जेके पानामा लीक्स में नाला आया उन्हनि पहिरीं पंहिंजी सीट ते इस्तीफ़ा ॾेई उहे हलिया विया जंहिंजा कंट्रीज़ आहे पर वाहिद ई असांजी हिकिड़ी सम्झो त बदनसीबी आहे असांजे मुल्क सां अहिड़ा असांखे सियासतदान मिलिया आहिनि अहिड़ा रहनुमा थी पोइ आहिनि जेके लुटेरा चोर ऐं उन्हनि जेके आहिनि मुल्क खे खाधो आहे हितां जी आवाम जे उन्हनि जी रत जेको आहे न पी छॾियो आहे ऐं उहे माण्हुनि खां हाणे ई अलाह जी लाठी जेकी आहे उहा बे आवाज़ आहे उन्हनि उहो ई माण्हू ऐं सभु वाक़िया थिया आहिनि थींदा ऐं इहो बाक़ाइदे क्लियर थींदो
इंशाल्लाह ताला इन जो इंसाफ थिंदो इंसाफ ते सबिन ते यकीन आए इंसाफ जो बोल बाला रहंदो जेके हन दौर जा जेके फिरौन न वो इंशाल्लाह ताला सब लटकवा इंशाल्लाह असके उम्मीद ही आई आ सर तमा काम जरूर पुछंदस इन सागी सूरत हाल ते मैं चाहूंगी आप भी क्योंकि तजिया निगार भी हैं आप तो आप क्या तजिया करते हैं कैसे क्योंकि तजिया निगार तो और ज्यादा गहराई से सूरत हाल को देखता है वो किसी तरह की भी हो तो आप किस तरह नजरिए में देखते हैं सारी चीज को बहुत शुक्रिया आपका दत्ता टीवी का आपने मौका दिया मैं ये कहता हूँ सियासत हम कहते हैं ज़रूर है लेकिन सियासत एक मुकद्दस नाम है सियासत अगर हम अच्छे तरीके से करें एक इस्लाम का एक हिस्सा है हमारे मजहब का एक हिस्सा है ठीक है लेकिन अफसोस ये है कि हम सियासत करते हैं अपनी चुराहट के लिए अपने माल बनाने के लिए अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी हुक्मरान कोई भी हुकूमत है खुदारा सब एक हो जाए एक प्लेटफॉर्म पर काम करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर देखे कोई भी बरसदार आता है वो हल्फ देता है हल्फ क्या है अल्लाह की वहादियत पर यकीन रखने के लेकिन उसके बावजूद ये करप्शन ये मामला सारे लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नजर डाल के मुल्क और मुल्क मफाद के लिए मुल्क की सालमियत के लिए काम करना चाहिए और किसी के ऊपर अल्जाम तराशी ना करें अपने आप को ठीक करें मैं कहता हूँ मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो ऑटोमेटिक मुआशरा ठीक होने की तरफ जाएगा हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं लेकिन मैं सबको कहूँगा जितनी मेरी है मेरे लिए सब सीनियर हैं सब साहबान हैं कि अपने आप को ठीक करें खुदार अपने आप को ठीक करें अगर ठीक नहीं करेगा नहीं करेंगे एक वक्त आएगा ये मुल्क इनके हाथ से निकल जाएगा ये मुल्क सर तुम पुछंदस मां तो नवाज शरीफ साहब चवन था मुते को भी केस कोने को माना सब आजो आया हर गाल खां आजो आया जैसे हर गाल खां आजो है तो ही केस छाजन सबई वाकई अथेंटिक आन या जी उन शक है या जी शक अदालत में बुधाए तो वे ठीक है असल में ऐसो कोई भी मुजरिम या कोई भी डुहारी डोह तो मंजो ना चोर का पुछ चोरी को मंजी बिल्कुल सही इन कर ये गाल अजाई एकड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया सुप्रीम कोर्ट में जैसे पानामा के लीक्स के नाले से मुख्तलिफ़ मानन जे ऑफशोर कंपनीज हैं पैसन जो घपला सामू आया तो उन ये तकरीबन अप्रैल 2016 में आया उन नवाज शरीफ साहब असेंबली में तकरीर कई ब दफ़ा कौम के खिताब कें उनमें चीज तो मां सब सबूत आन सब कुछ है असो अस हथ साफ़ उन जैसे अदालत में जमात इस्लामी भी वही उन वही पीटीआई आई उन शेख रशीद साहब भी आयो तो अदालत भी 126 बुधड़ी उन बुधियन सही 126 दिन केस हलो हाँ 126 दिन में सबूत भी पेश न किया कह रहा सही पड़दोज पढ़ी कर फारिग थे सियासत कबा गाल है ये जो सवाल है जवाब दियो न तो तक है वह चो था असड़ी मिल हुई असमें मुतहद अरब अमारात में उनके विकणी कर जिते में बयासे तो ये पैसा कि वह पैसा असा समझा तिल हल सुो थो तला बरकत कौम तो हिसाब की घुरा इनकर गाल नवाज शरीफ साहब के वही उन जे आई टी ठही वरी जे आई टी में भी उनके 60 दिन मिलिया 60 दिन में भी इन वो पैंो कुछ भी नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब जो बयान दिनों उनमें उन्हें चाहिए सही माखे तो वही खबर को पुछ बबा हे जे तुम तकीर क्यों ये कि क्यों सर साही जो वक्त थी साही वटूँ था उन मोटूँ था वरी नंढी साही उन वरी मोटूँ था कचहरी सिलसिलो इत जोड़ी जिते छूँ पाया जी नाजिन भलीकार क्यों था साही का भुट्टो साहब से गाल हली पे ढी अहम उन पा उन सिलसिलो जोड़ू था सर ताल पे कई बस मैं ये गाल पे कई तो 126 बुधड़ी का बिन जजन तो बबा ये जो है नाहल अमीन सादिक ना टिन जजन तो न अना तहकीकत की जरूरत है उन वरी जे आई टी ठही 60 दिन तुन जो भी केस हलता रहा ऐसे उनमें जो बयान ऑन रिकॉर्ड इन जो है नवाज शरीफ साहब जो उनमें उन तो भाई असके मुख्य खबर को उनका पुछा कई हुई तो सही तुम्हारी ये कौमी असेंबली में तकरीरों तुम्हारी टीवी के कौम के खिताब जैसे घर में गाली बुधी हुई वह कर छोड़ हाँ ये तरीको तो ना केस इं तो न हलता
उन वरी हाने भी जो है उन सियासत कर रो अस चूं था बाबा तहे खिलाफ़ रेफरेंसिस फाइल थे तहे खिलाफ़ जो अदालत में मुकदमात तो उन मुकदमात के मुकदमात समझी कर हर हाजरी से बुधा तो बाबा अस कागजन ये सबूतन ये अस मनी ट्रेल आ ये बैंक के स्टेटमेंट्स हैं ये जन अस उत खरीदारी जहाँ सबूत वो तो पेश कियो सजो खानदान जो उन सियासत तो करे पो अस मजलूम आयो मैं खबर ही ना है हाँ तू वजीर आजम रहा आयो तवा के सब शी खबर आई चौं था यो हाँ लाइलमी जो है चूँ अस जहल आरफाना चाहूँ या मुजुर्माना चूँ तो इन कर मुझे ख्याल में इन सियासत के हाँ वो जमानो गुजरी वो इन करके केसन में संजीदगी से अगत वाले सदा मिली वही बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा सर तुम पुछंद अदालत से टकराव आ उनके कड़ी नजर से अदालत से टकराव अगत हली कड़ो न्यापो तो वे पूरी कौम डा असल में गाल है अदालत से टकराव आ पे भी मुस्लिम लीग नून जो वतीरो रो अज का पे 10-12-15 साल अग में जैसे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब हुआ उन कोर्ट से भी हमलो वो वही भी मुस्लिम लीग नून जैसे नवाज शरीफ जी जी हमेशा उते गुंडागर्दी बदमाशी और एक रविश हमेशा उन रही है तो अस अदालत के प्रेशर क्यों अदालत के दबा कें भी तरीके से असि आला अदालत एक मोतबर मोहतरम जी है जैके सजे मुल्क की नजरों अस आला अदालत सामू आए गाल है खास तौर पे नवाज शरीफ के जेके भी दौरान ही एक जनरल जिलानी की पैदाइश है 85 दौर में इनके जैसे पे आंदो लाहौर में तो इनके अगे प्रमोट कर ज़ियालक जो ही पान के पुट सदन लगो तो जी तमाम घड़ो जो है सो उतं ही मवन खान जुनेद साहब जी जैसे प्राइम मिनिस्टर थो उन शरीफ मानू नफ्स के उन हटाने में उन वो किरदार उन सजे पार्टी से इन कब्जो करो सजो वाहिद ही है ये मानू है जिन्हें पे जो परवेज मुशरफ जो थो उन में ही 99 ही मानू सब शे करे जिदा इतना बजी हल्या सब शे लिखी करे तदी भी चीं मां कुछ न किया मैंने तो को आशे ना इन्हें उते जिदे में भी जो है पंजो स्टील मिल लगाई उते भी उन सजी सिस्टम जो है सजे पाकिस्तान के निचोड़ो खाधो हो असां जे मुल्क में जेस ताईं जुडिशरी जो एतराम कोन कंदा असां जे मुल्क में आम माण्हू जी रेस्पेक्ट कोन थींदी ही जेके भी अड़ा करप्ट लीडर्स वेठा आहिनि जेके पाण खे सियासतदान था चवनि जेके इन्हनि जा बूट वारनि जा जनरल्स जा पैदा थियल माण्हू आहिनि इहे ई माण्हू जेके आहिनि सो इन्हनि ई करप्शन कई आहे जेके मुल्क ते असें मतलब कब्जो आजाद थे आयो पर इन जालमन में आजाद न थे आयो जाहिर तौर ते आजाद थे आयो ये चो भला अच्छा भला यो बुधायो त छो त तहां वेठा आयो त मां चाहिंदस पीएसपी सा तहां जो ताल्लुक आए ताणे जको ताजो जको हले पियो मसलो जी जी एमक्यूएम वारो ऐ पीएसपी वारो त मां जरूर मौके मां फायदो वठी उनते भी गलाण चाहिंदस बिल्कुल बिल्कुल त इया सजी जका सूरत हाल ओचतो थी आ जी जी त एकड़ी रात में फैसलो अची तो वने एकड़ी रात में तहां जो ठा थे तो एकड़ी रात में या एकड़े कलाक में ताना फैसला मटजी वनन था इनके तहां केड़ी नजर में दिसो था छा चवंदो असल में गाल या है त जेको एमक्यूएम सा असन जे पीएसपी जो गलाण जो मकसद यो था चो जा वनन जो भी मकसद यो हो त हन सूबे जी हन शहर जी इन मुल्क जी बेहतरी लाए अस एमक्यूएम सा कोन जो है असी सोच या आहे अस पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल भाई अनीस कायम खानी भाई जी सोच वी साल डेढ़ साल पे 2016-3 मार्च से आया पाकिस्तान में वो इन्हीं शे के हवाले से इतना जहाँ जो भी इन जो फ्रोन थी वेठा इन दौर जहाँ तो उन्होंने जान छाई वे इतना की कौम के मुल्क के आम मांग के राज एजेंसी में वो था वन जी उन वेठा उनका मथा जो मू तो हि तो 22 अगस्त का वही 12 कलाकन का 23 अगस्त ही वही नारो हो असो मेन मकसद यो ही है अस मुल्क की खिदमत कर चाहूँगा अस सूबे की खिदमत कर चाहूँगा अस कराची शहर की खिदमत कर चाहूँगा गाल सीधी सही है अस सीधो सौ स्टैंड है मुस्तफा भाई जो अनीस कायम खानी भाई जो तो बाबा असा गड अगर इन मुल्क के लिए
इन शहर ऐं सूबे जे लाइ हिन पाकिस्तान जे झंडे जे लाइ हिन मुल्क जी ख़ैर ख़्वाही जे लाइ अगरि आहे ख़िदमत करण लाइ त असां सभु खां गॾु आहियूं। बाक़ी असां न लिसानियत खां हुन ते इतमाद कंदा, न को असीबत सां असां हुन ते इतमाद कंदा, न को असां ॿिए कंहिं शइ ते। इन हवाले सां जेके माण्हू वेठा आहिनि, जेके असां हिकिड़ी नेकनीयत सां असां पंहिंजी ख़िदमत करण लाइ असां मुसो भाई अनीस भाई चयो असांखे जोड़णो आहे, असांखे टोड़णो न आहे, असां हिकिड़ी नेकनीयत सां कमु जेको आहे असां कंदा रहंदासीं ऐं असांखे परवाह न आहे अगरि हुननि माण्हुनि खे जेकॾहिं करिणो आहे। छो त असां हिन शइ खे जेको हिकिड़ो नफ़रत जो जेको रखियो आहे उनखे ख़तमु करण लाइ असां। ठीकु आहे, ठीकु आहे सर, इहा ॻाल्हि त ठीकु आहे। पंहिंजी जॻह ते आरआई साहिब से बि पुछेंगे। आरआई साहिब जो पूरी सूरत हाल है, अदालतों से जो तसादम की बात होती है जब, या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब कोई बात होती है, आप उसको किस नज़र में देखते हैं? देखें जी, अदलिया का एहतराम सब पे लाजम है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीएसपी है, बट अगर कोई भी पार्टी है, सब पे अदलिया का एहतराम लाजम है। उसका एहतराम करेंगे तो हम आगे चलेंगे। उसके बाद बाकी अगली बात आती है कि पाकिस्तान की आवाम तो एक चक्की में पेस रही है, ये मिसाइल की चक्की में पेस रही है। मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, अपने काम करती हैं, चली जाती हैं, फिर दूसरी हुकूमत आती है, वो दो चार साल बाद पहले वाला मामला जो है वो आवाम भूल चुकी होती है। फिर तो मैं ये कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए, खुदा रहा आप अपने आप को ठीक करें, काम मुल्क की सालमत के लिए करें, आवाम के लिए करें। जैसे मिसाइल का अखबार लगा हुआ है, मेडिकल के मसले हैं, स्कूलों के मसले हैं, खुराक के मसले हैं, बिल्कुल स्ट्राइक, हड़तालें, दीगर मामला, खुदा कोई भी पार्टी आती है वो पाकिस्तान की मफाद के लिए काम करे। और बाकी एहतराम की बात है, अदलिया का एस्टेब्लिशमेंट का एहतराम जो है वो सब पे लाजम है, और जो कानून है वो सब पे नाफज है, सब के लिए इक्वल है। ये नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और है, दूसरे के लिए नहीं, सब पे इक्वल है, सब सब उसके पाबंद है, उसके अंदर रह, उस दायरा कार के अंदर रह के काम करें। ठीक है सर, तव्हां खां पुछंदुसि मां त हिन समूरी सूरत हाल खां पोइ जेका असांजी अदालतुनि जा फ़ैसिला असां न मञूं, जजनि जे ख़िलाफ़ु असीं ॻाल्हायूं, उन्हनि ते तनक़ीद कयूं, ऐं उन खां पोइ वरी असां पंहिंजी हिकिड़ी होड ते बरक़रार रहूं, इन सोच खे असां अॻिते पंहिंजी नई टहीअ खे छा पिया ॾियूं? असल में ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो जमहूरी मुल्क आहे, बिल्कुलु असां वटि हिकिड़ो दस्तूर आहे, ऐं उहो जेको मुल्क आहे उहो उन जा टे वॾा अहम जेके आहिनि उहे इदारा आहिनि। हिकिड़ो आहे हुकूमत, हिकिड़ो आहे पार्लियामेंट, ऐं टीं आहे अदालत। अदालत जेका आहे उहा हिकु हर मुल्क जे अंदरि उनजी इज़त हुजणु ज़रूरी आहे ऐं उनजो एहतराम हुजणु ज़रूरी आहे। बिल्कुलु इख़्तिलाफ़ु जेको आहे उहो अदालत सां थी सघे थो, आख़िर भला सेशन जज में फ़ैसिलो ॾींदो आहे, माण्हू हाईकोर्ट में अपील कंदा आहिनि त ख़राबु कंदा आहिनि न, पर हिकिड़े हद जे अंदरि, बिल्कुलु ऐं अदालत जे अंदरि अहिड़े नमूने सां हाईकोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उन ते सुप्रीम कोर्ट में अपील थींदी आहे, त सुप्रीम कोर्ट में वञी उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे दलाइल ॾींदा आहिनि, पर अदालत जे अंदरि ऐं हिकिड़े कानून जे दायरे जे अंदरि उन ते सियासत न थींदी आहे, ज़ातियात न हूंदी आहे, उन ते जेको आहे अॾा अना ऐं होॾे जो मसइलो न हूंदो आहे। पर हे जहिड़े नमूने सां होॾ वारी ऐं अड़ंगेपन वारी जेका आहे हिनजी सोच आहे, इहा जेका आहे मुल्क जे लाइ तमामु नुक़सानदार आहे। छाकाणि इन तरीक़े सां दुनिया जे अंदरि कोई निज़ाम नथो हली सघे, ऐं पाकिस्तान में अदालत कीअं हलंदी जे उनजो एहतराम न हूंदो? ज़ाहिर आहे ॿ फरीक ईंदा, फ़ैसिलो त अगरि हिकिड़े जे हक़ में थींदो ॿिनि जे हक़ में त न थींदो, ज़ाहिर आहे उहो जंहिंजे हक़ में थींदो त ॿिए खे इख़्तिलाफ़ु हूंदो, पर इख़्तिलाफ़ जूं हदूं हुजणु खपनि। मुंहिंजे ख़्याल में नवाज़ शरीफ़ साहिब जे हिन सॼे मामले में जेके हुन जा बयानात आहिनि उन में ज़ातियात वधीक आहे, कानून घटि आहे, उन में जेको आहे हुनजी जेका आहे उहो होॾ या जेको आहे हिकिड़ी ज़रूरत खां वधीक पंहिंजे हिकिड़े यानी अदालत जे इज़त खे नुक़सान पहुचाइण जो जेको आहे उहो वधीक आहे। इहो पाकिस्तान जा नुक़सानकार आहे ऐं हर पाकिस्तानी जेको आहे हिनखे महसूसु करे रहियो आहे त भई हीअ छा थी रहियो आहे। साई वठूं, हिकिड़ी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, तव्हां केॾा न वञो, नंढड़ी साई खां पोइ गॾिजूं था प्रोग्राम क्रॉस टॉक में। भलीकार कयूं था प्रोग्राम क्रॉस टॉक में नंढड़ी साईअ खां पोइ, ऐं भुट्टो साहिबु तव्हां खां ई ॻाल्हि शुरू कंदासीं, तव्हां अदत ते छॾी हुई हुनखे पूरो कयो। मां इहा ॻाल्हि पई चई त नवाज़ शरीफ़ साहिब खे कानूनी तरह सां इंसाफ़ जे तक़ाज़ाउनि खे पूरे कंदे हर सहूलियत ॾिनी वई आहे हुनजे ॿुधणी जे लाइ, जेतिरा ॾींहं हुनजे वकील तकीर कई अदालत जेका आहे उनखे ॿुधंदी रही सब्र सां। उनखां पोइ वरी जॾहिं जे आई टी आई उनखां बि ऐं उनखां पोइ बि वरी ॿीहर
दलाइल थे वरी उन रिव्यू पिटिशन फाइल कई नजरसानी की उनके लिए भी अदालत दिल खोले अठ दिन बुधंदी रही हाँ मुझे ख्याल में नेब रेफरेंसिस इन के हवाले से उनके कानून के तकाजा पूरा करण खपन बी गाल है ऐसो कानून जो उन गोग अदलिया जी उनकी साख उनको एहतराम न हों तो मुल्क निज़ाम कि हल्द इन करे मुझे ख्याल में उनके पैंजी जात के मथा पाकिस्तान पाकिस्तान के मुफाद के कौम के मुफाद के तरजीह दियन खपे उनके अदालत जो फैसला तस्लीम करण खपन मुल्क सोचण खपे आखिर ये कि मुल्क हल्द तो इन कर वजीर आजम पैं जैसे हो ठीक है हाँ ना तो उनके यह गाल भी तस्लीम करण खपे तो भाई मां हाँ वजीर आजम ना पर उन बावजूद उनके उनके मानून के अदालत वन तो उनके जो प्रोटोकॉल मिले तो पो उन धीए के प्रोटोकॉल मिले तो भाई तोटोकॉल छो तो मिले पो असें न तो मिले जो अस शहरी आयो तो तुम भी शहरी आयो इन कर अदालत में तुम वनो तो पाकिस्तान के शहरी के हिसाब से बराबर होने खे पर हाँ अजा तीन उनके हुकूमती एक मिलल है अजा तीन लालीपॉप उन वात में नो निकर पो इन उनके इस्तेमाल कन था पाया ठीक है सर तवा का पुछंदस मुस्तफा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है जैमें तक खबर होंगी यकीन शामिल हो पार्टी में तो उनके भी गाल कई उनमें जिते एस्टेब्लिशमेंट की गाल अचे थी जो गाल कई पे आरई साहब खान साहब तो वो तुम चवण चाहिए तो उन्होंने चवण है तो अस गजाणी जी कईसी फारूक सत्तार से उन् चवण से थी हुई पर वो पे उत मौजूद हुआ फारूक सत्तार उत मौजूद हो असते बिल्कुल घुराया वो इन सारी सूरत हाल के तीन था चव असल में गाल है तो अस मुल्क सूबे के शहर के वसीतर मुफाद में जी मुस्तफा भाई अज बुधा सजो जो क्लियर कियो आम सम जो तो इतना के शहर में बेहतरी थे इतना के आम मानू के पब्लिक के फैसिलिटीज से जी टी पटी साल का इतने थी रहे हो शहर के अंदर इन सूबे के अंदर उन टारगेट किलिंग की उन कतले आम की सर के पे कयो का बाहरी कुवत का न हुई असल में गाली है त जेके मुस्वा भाई अनीस भाई जदी आया हा 3 माह से 2016 के एमकेएम जिके असा छड़े करे सब जेको आ इनी करे त जेके असै सामु सब गाली आए ओ वाजे आम जे सामु रखी त बाबा ही जेको है राज एजेंटी में ही मा मुल्क जे शहर जे नन इते उर्दू गालण वाला सब बाहर हैं न गाल है तो मुआज लफ्ज़ से अगर अस उन वेही अस इस्तेमाल क्यों बार बार उनके मुआज लफ्ज़ से वेही उनके अस बेवकूफ़ बन पंटी छ मुसा भाई जो चवण जो मकसद यो तो अस इतना के जो है इतने सब कौम रहन थी कराची में जो है सो सिंधी गलो भी आ पंजाबी गलो भी उर्दू गलो भाव आ पछतो गलो भाव आ बलोची भाई सब अस एक ये ना तो कोई जो है इन मैसेज में असो है तो असो जोड़णो आ ना को टोड़णो आ अगर नजरियाती भी इख्तिलाफ़ आते हैं पर भी असके भाकुर पाए हथ मिलो असा पान सा कें भी वो सिस्टम नजर को करो असा इतना के शहर की बेहतरी के लिए मुस्तफा भाई यह कोशिश कई जो तो ही जो है जो अवं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया मुस्तफा कुमार भाई की बुधी अनीस भाई वाली तो उही गाल कई तो बाबा असन यही कोशिश कैसी तो असा इतना के शहर के लिए इतना के सूबे लाइको फाय सुी जो कदम अस ब कदम अगर था चूँ क्यों था ठीक है पर उन मानको है जे उनके पे पान में जो इख्तिलाफ़ अड़ा जो हि एक बे के पोया अस बिल्कुल खुलल स्टेंस अस चाहिए तो सब एक इतना के रहने वा इतना की जुबान सब गलण वा सब बाहर इन मुल्क के बचाण इन मुल्क के झंडे के मथे करण इतना की जी लिसानियत है असबियत है फिरकावारियत है उन शा खत्म कर आया अस ना चाहूँ तो जो इतने पुरानी सियासत पुरानो जो हल पे अल्लाह जहा लख साल तो मुस्तफा भाई अनीस भाई अचान का काफ़ी शहर में अमन थो सर तक नो लगे तो तेजी पार्टी में ही एडो माना टकराव जो ओपन आ खुल आको सभी अगर वाजे चिटो आ इन सा अगत हली कराची के केतो नुकसान या फायद थी सके तो ऐसो अस पाकिस्तान पार्टी मुस्तफा भाई अनीस कैम उनके खुलल असो वाज है तो बाबा जो मुल्क की खिदमत के लिए इन शहर की खिदमत के लिए सूबे की खिदमत लाए मुस्तफा कमाल भाई जैसे नाजिम हुआ सिटी कराची में कम थो कराची जी अवाम उनके एप्रिशिएट किया
ऐं असांजो मक़सदु चवण जो आहे अॼु उहो उन्हनि जो जेके वेठा आहिनि मेयर वेठो आहे कराची जेको आहे कचरे जी जेका आहे कूड़ा जेके गंद जी जेको ढेर लॻो पियो आहे हितां जे शहर जा रोड तबाह लॻा पिया आहिनि जेको कराची हिकिड़ो सुहिणो ऐं सुठो जेको आहे असल ॻाल्हि इहा आहे त इहो ई त ज़ुल्म आहे त हितां जा जेके हुकुमरान जेके आहिनि सो सभु मिलियल आहिनि करप्शन जे हुन सिस्टम में इहो तॾहिं थींदो जॾहिं रेवोल्यूशन ईंदो रेवोल्यूशन तॾहिं ईंदो जॾहिं आम माण्हू आम हितां जो जेको आहे सोच ऐं सम्झ वारा माण्हू उहे गॾु न थींदा उहे हिकु आवाज़ न थींदा हितां जी नियाणियूं हितां जा ॿाहिरि हितां जा बुज़ुर्ग भुट्टो साहब आम माण्हू खे त को इख़्तियार ई कोन्हे को कंहिं तरह जो बि इख़्तियार कोन्हे को आरणी साहब आप बि मुतफ़िक़ होंगे आम जो हमारी आवाम की बात करे मैं अपनी बात करें आवाम हूं ना हमारे पास तो कोई इख़्तियार नहीं है हमें तो ये भी इख़्तियार नहीं है कि हम अपने हुकुमरान के आगे कुछ कह सकें या उसको ये बता सके कि हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि हिन में हिमत करणी पवंदी हिन में ॿी शइ इहा आहे त मुस्तफ़ा कमाल भाई असां इहो चयो आहे त बाबा जेको डेवोल्यूशन ऑफ पावर उहो आम माण्हू खे ॾियो जेको काउंसलर आहे उन गली जो हुजे उतां जो चेयरमैन कयो उतां जो नाज़िम कयो जेको उहो असल में छा आहे असल में ॻाल्हि इहा आहे त पीपल्स पार्टी वारनि जी इहो वतीरो रहियो आहे इन्हनि कॾहिं बि बलदियाती निज़ाम खे कोन करणो न आहे न को असां ख़ुदि चऊं पिया न असां इहा ॻाल्हि मञूं था त एम के एम ख़ुदि हुन में जी हिननि जा पार्टनर्स रहिया आहिनि न हिननि जी गवर्नमेंट में रहिया आहिनि न जेके इलाइक़ा एम के एम जे हवाले हुया एम के एम खे ॾिनल हुया उन्हनि जी सूरत हाल बि माना ॾिसण जहिड़ी आहे बिल्कुलु इन ई अञा बि उहा ख़राबु आहे असल में ॻाल्हि जो 35 साल 30 साल तव्हांजी हुकूमत रही असांजी हुकूमत असां छॾे आया आहियूं असां उहो बिल्कुलु रहिया आहियूं पर ॻाल्हि इहा आहे त इन ई हाणे न अर्ज़ी आहे त 1.5 साल असां जॾहिं मुस्तफ़ा भाई अनीस भाई आहे त असां इन हक़ में ई हक़ सच जे लाइ आया आहियूं अलाह पाक दिलनि में सभिनि जी हिकु रहम ऐं इहो कयो आहे त असां कम अज़ कम असां रब खां तोबज़ारी था कयूं त असां हितां जी ख़िदमत लाइ छो त जांद ॾियणी आहे जांद डेंगी मच्छर जेकी डेंग जो आहे उन में बि माण्हू जीअं पर मौत जेको आहे न उहो हिकिड़ो अलाह पाक जे दरमियान सभिनी खे ईअं न आहे त सभिनी खे जेको आहे गॾु इहे असां वेंदा हर को पंहिंजे हुनजो कंदो चवण जी ॻाल्हि इहा आहे त असांजे माना हिकिड़ी सुठी ऐं ज़ुबान जेकी हितां जे शहर जे माण्हू जे आम माण्हू जेके जेके ज़ुबान ॾिनी आहे सो मुस्तफ़ा कमाल भाई अनीस भाई ॾिनी आहे जेको ॻाल्हाइणु ॾिनो न त कराची में हू 2 मिंट बि न लॻाईंदा उन शहर खे तबाह करण लाइ हितां जी गाॾियूं सड़ण लाइ ॻाल्हि जो जवाबु ॾियो त पोइ वरी आरई साहिब खां नंढड़ी ॻाल्हि बिल्कुलु पुॼाणी ॾांहुं कंदासीं प्रोग्राम नंढड़ी ॻाल्हि त कराची ऐं सिंध इन खे धार करण वारी ॻाल्हि या अलॻि करण वारी ॻाल्हि इहो कॉन्सेप्ट इहो इहो कॉन्सेप्ट असां कराची सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ आहे असांजो हिकिड़ो वाज़ ऐं खुलियल स्टैंड मुस्तफ़ा कमाल भाई ऐं अनीस भाई जो कराची जेको आहे दारुल ख़िलाफ़ आहे ऐं शहर जी जेको असांजी गादी सिंध जी गादी हूंदा इहो कॾहिं बि न को असांजी हिकिड़ी खुलियल पॉलिसी ऐं वाज़े पॉलिसी आहे न को असां सिंध सूबे खे को धार करण लाइ जेको आहे चयो आहे नारा जिन आहियां असां उन शइ खे उन ई उनखे त असां इहो जेको सूबे जे हवाले सां इहो जेसिताणी ताईं अगरि असांजे दम में दम आहे ऐं असांजी लीडरशिप हिकिड़ो वाज़ पॉलिसी आहे त असांखे को बि अहिड़ी शइ जेको आहे छो त बिल्कुलु कराची सिंध आहे कराची में सभु ॻाल्हाइण वारा आहिनि कराची में सभु भाउर आहिनि मां सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि पियो चवां त एम के एम जेका आहे उहा पंहिंजी कारकर्दगी क़ौम खे ॿुधाए तव्हांखे परवेज मुशरफ जे ज़माने खां वठी एतिरे एतिरो थो चवां त बजाए हिन जे जो इहे सिंध जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइनि या कराची ऐं सिंध खे धार करण जी ॻाल्हियूं कनि पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाइनि त कारकर्दगी में छा रही आहे जॾहिं इक़्तदार मिले थो त सिंध पुसी हिकिड़ी हुजे जे इक़्तदार न मिले त कराची धार इहे कहिड़ी ब्लैकमेलिंग आई आहे सॼी इहा उन्हनि इहा ब्लैकमेलिंग आहे एम के एम जी सिधी सही आहे इहो कॾहिं बि कोन थींदी अर्ज़ु इहो आहे न असांखे 1.5 साल थियो आहे असां उते बि अगरि वेठा हुआसीं न असां सभु सिंधी हिकिड़ी कोशिशि कयूं पिया भई हिकिड़े ब्रिज जी हिकिड़े पुल जी सभु ॿाहिरि सभिनी पर जॾहिं 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 न असां हिन नारे ते कॾहिं बि हुन सां न आहियूं न को असां हिननि खे इहो कयो असां न को सिंध सूबे जी धार जी अगरि को अहिड़ी सोच इहो जेको इहो कॉन्सेप्ट रखे थो इहो मुल्क जो दुश्मन आहे सूबे जो दुश्मन आहे ठीकु सर आप क्या कहेंगे जी ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है कि
کراچی تو خیر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے پاس ہی ایک عرصہ دراز سے یہاں کے جو مسائل کی بات ہے دونوں پارٹیاں باری باری لے کے کام کر رہی ہیں. ابھی بھی بلدیاتی نظام تو ایم کیو ایم کے پاس ہی ہے. تو جب تک یہ آپس میں ایک نہیں ہوتے میں نہیں سمجھتا یہ مسائل کا کوئی حل ہو سکے گا. ٹھیک یہ جو لڑائی ہے اختیارات کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی الزام ایم کیو ایم پہ لگاتی ہے, ایم کیو ایم الزام پیپلز پارٹی پہ لگاتی ہے. خدارہ یہ ملک کی مفاد کے لیے ایک ہو جائے. کراچی میں اختیارات کا نہیں مال میرنے میرنے جو یہ جھگڑو ہے وہ تھا جو سام مال میرنے مال دے مال دے جھڑو ہے. کراچی کے حالات تھوڑے بہتری کی طرف جائیں. کراچی میں اب کچرا ہر جگہ پڑا ہوا ہے, کچرا پھینکنے کی جگہ نہیں ہے, دیگر مسائل کام باہر لگا ہوا ہے. تو یہ ان کو ایک ہونا پڑے گا کراچی کے عوام کے لیے. تو جس سے پہلے چکی میں پستی آ رہی ہے عوام تک پستی رہے گی. تو خدا رہا ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے کہ ہانے ملک دے سوچن بھلا ہم ملک کے لیے سوچ لو. خدا رہا کھا دو سبنی گھنو سب کچھ. اصل میں ایتے گزارش ہی ہے تے ہتے جکے نے کافی اڑا مانن کافی جکے اقتدار میں وہی اقتدار دے نشے میں کافی کرپشن میں ائیں وہ شروع تھیو ہاں اور سیو پہ کہو تے واری شروع تھی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ انشاء اللہ تعالیٰ ان انصاف کے ان میں جو فیصلہ تھوں حساب دینا. ٹھیک ہے سر, مہربانی تمہاں جنی جی تمہاں وقت رنو سر. تھینک یو, مہربانی سر, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بھی اپنا وقت دیا اور ان شاء اللہ بات کرتے ہیں اس پر. پروگرام کا وقت پورا ہوا. ٹھیک ہے, پروگرام کراس ٹاک میں کوشش کرنا آئی ہوں تو کو حل نکری اچے مسئلے جو جے بھی ہیں سیاسی صورت حال جکا بھی ہلے پی. کراچی جو جو عوام آ پہلی گال تو کراچی سندھ ظاہر دار دار کون سندھ جو کراچی سندھ جی دل ہے. حیدرآباد دماغ ہے چھو تو واپاری شہر ہے تو امپورٹنس ان کی کاروباری شہر ہے ان کرے سو یہ تو سوچ ہی ختم تھن گرجے جن جی بھی ہے تمام ایکڑی نیگیٹو سوچ ہے چھو تو ظاہر اِسی سب ایک ہوں پہ گال تو اِسی سب پاکستانی ہوں ہانے حکمرانن کے وقت ہے تو ہانے ان کے بھی سوچن گرجے عام مانو کے بھی وقت ہیر ہے تو اک کھولن گرجے چھو تو اصا گھڑی گھڑی چوندا تو ووٹ جو حق جو ہے نا ان کے سوچے سمجھے استعمال کرو. ڈیو موکلانی سوہنی پارس کے کراس ٹاک کا علاوہ ہی